Last lecture we had learned some part of the lesson field visit, and in this part we had learned about the topography, the vegetation and the change in atmosphere. Okay, and which type of change was there? We learned that the humidity was increased there, and because of the skin of the students and the people were sticky there. Okay, and teacher said that as we go near the sea this will increase. आगे टीचर बताते अगर सी की तरफ हम जाते हैं तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी. Why this is happen? If we went to the sea or if we reach the sea, then such a type of atmosphere will be increased. What is the reason behind that? Can you tell me? Okay, the reason behind that is the ocean part or the sea part is there where the humidity is more in the atmosphere. That's why we feel the hot temperature there or the warm temperature there, and we feel the perspiring of our body. That means the skin become sticky there. Then the next part is there, that is Namdev said, madam, it has started raining in the region. Also the amount of rainfall seems to be more. It might be happen because of this. तो वहाँ पे नामदेव नाम का एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से वहाँ पे बात कर रहा है, मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन. इस रीजन के अंदर अब क्या होने वाला है, तो बारिश वहाँ पे होने वाली है, रेनिंग होने वाली है. ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, और अब तक की देखी हुई बारिश में सबसे ज्यादा बारिश हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं. इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. तो ऐसी सारी चीजों की वजह से, ऐसे सारे एटमोस्फियर की वजह से यहाँ पे बारिश ज्यादा अमाउंट में होती होगी. टीचर सेड नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन्स. ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज द मेजर क्रॉप हियर. सून वी विल रीच द सी. क्या कैन यू नेम द सी? देन टीचर वहां पे बोलते हैं कि नामदेव आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल करेक्ट था, और इसी वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है, और सी की तरफ भी रेनफॉल वहाँ पे ज्यादा तौर पे देखी जाती है. और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे राइस, ये जो क्रॉप है, राइस का क्रॉप वहाँ पे ज्यादा तौर पे लिया जाता है, राइस वहाँ पे ज्यादा तौर पे कल्टिवेट की जाती है. अब जल्दी ही हम सी की तरफ जाने वाले हैं. देन कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द सी? कौन से सी की तरफ हम जाने वाले, बता सकते हो? ऑल द स्टूडेंट सेड टुगेदर द अरेबियन सी. सभी स्टूडेंट ने वहां पे बताया, क्या बताया? कि हम अरेबियन सी की तरफ जा रहे हैं. टीचर सेड गुड, आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू अवर लॉज वी विल विजिट द तलाटी ऑफिस. यू कैन gathered information on the basis of the questionnaire you have prepared in the school. अब टीचर वहाँ पे बताते हैं कि हम अलीबाग को जाने से पहले वहाँ पे क्या करेंगे, कि हमारे लॉज की तरफ जाने से पहले हम विजिट करेंगे तलाटी ऑफिस को. डू यू नो दैट वॉट इज तलाटी ऑफिस? दिस इज अ रेवेन्यू ऑफिस देयर, एंड द चीफ ऑफ द रेवेन्यू ऑफिस इज तलाटी देयर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड तलाटी ऑफिस. ओके, एंड यू कैन you gathered the information on the basis of your questionnaire. तो आपने जो questionnaire बना के लाई है ना, उसके हिसाब से आप उस तलाटी ऑफिस में से कुछ information को इकट्ठा कर सकते हो. And you have prepared in the school, जो school में आपने questionnaire बनाई ना वो वहाँ पे use करो इस तलाटी ऑफिस में, और अपनी information collect करो, अपने report के लिए तैयार रहो. Okay, then Urmi said We will be asking him questions about the type of crops. कि हम वहाँ पे जाकर कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो क्रॉप्स के बारे में कुछ क्वेश्चन हम वहाँ पे पूछने वाले हैं. Then we are asking him how land revenue is collected in his her office. तो वहाँ पे हम ये भी क्वेश्चन करेंगे कि लैंड रेवेन्यू जो है वो किस तरह से वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है उस ऑफिस में, तलाटी ऑफिस में. Land under irrigation, then watershed programs and other occupations in the village. और क्या क्या पूछेंगे? तो जो भी land irrigation के under में है, मतलब जिस land पे water provide किया जाता है वो land. Then watershed program, water को available करने के लिए कौन से program वहाँ पे use किए गए हैं.
देन अदर ऑक्यूपेशन इन द विलेज, विलेज के अंदर फार्मिंग के अलावा और कौन से ऑक्यूपेशन है, ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे करने वाले हैं. ओके, बिफोर दैट वी आर सीइंग हियर सम पिक्चर्स. ओके, विच टाइप ऑफ पिक्चर्स आर देयर? वी आर सीइंग हियर द फिगर 1.18 हियर. ओके, 1.18 विच इज राज माझी. ओके, द फिगर इज अबाउट द राज माझी. ओके, देन हियर वी आर सीइंग द फिगर 1.19 अ वॉटरफॉल इन सह्याद्री. सह्याद्री के वॉटरफॉल यहाँ पे हम देख रहे हैं. डू यू एग्री? राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन योर सेल्फ. डू यू एग्री? द रीजन एंड नेसेसिटी इन्फ्लुएंस द डिफरेंट इन द मीन्स ऑफ लाइवहुड, है ना? तो आप वहाँ पे एग्री हो क्या कि वहाँ के मतलब किसी जगह का जो जनजीवन है, जो लाइवहुड है, वो वहाँ की जो नेसेसिटीज है उनके ऊपर डिपेंड होता है. देन गेस द गेस इन विच सीजन ऑफ द ईयर इज द फील्ड विजिट बीइंग अंडरटेकन. कौन सी सीजन में ये फील्ड विजिट वहाँ पे हुई है, ये आपको वहाँ पे गेस करना है. देन द फिगर 1.20 इज देयर अ देवराई इज देयर. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड लर्न अबाउट द देवराई, नो, द सैक्रेड प्लांट्स आर देयर. ओके, एंड देन द वनराई इज देयर, वुडलैंड वनराई. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. ओके, द बैकग्राउंड सीन इज देयर लाइक दिस विदाउट कन्वर्सेशन. दे रीच अलीबाग इन द आफ्टरनून एंड देन विजिटेड द तलाटी ऑफिस. दे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चनरीज. अलीबाग जाने से पहले उन्होंने आफ्टरनून में तलाटी ऑफिस को विजिट किया और इंफॉर्मेशन अपने क्वेश्चनरीज के थ्रू कलेक्ट की है. टीचर सेड डियर स्टूडेंट्स, टीचर सेड डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट. We'll go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time? तो टीचर वहाँ पे बताते हैं कि स्टूडेंट्स हम लंच करने के बाद कहाँ पे जाने वाले हैं, तो सी कोस्ट एरिया में जाने वाले हैं. तो आप में से कितने लोग वहाँ पे फर्स्ट टाइम सी को देखने वाले हो? तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज देयर हैंड्स. सबने अपने हाथ ऊपर किए, करीबन सबने हाथ ऊपर किए, पहली बार वो सी को वहाँ पे देखने वाले थे. देन One of the student is there. The name of that student is Abira. Abira said, I am just trying to imagine what the breathtaking view it would be to see the sea. Okay. तो मैं imagine कर रही हूँ, imagine करने की कोशिश कर रही हूँ वहाँ पे कि जैसे ही हम sea को visit करेंगे, sea को देखने के बाद किस तरह का मतलब नज़ारा वहाँ पे scenery हमें दिखाई देगी, वो तो मैं मन में imagine कर रही हूँ. Then What will it look like? किस तरह से वो दिखेगा? और will there be just water? और वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होगा या दूसरी कोई चीजें भी हमें देखने को मिलेगी? Then the next part is there. Teacher said, true, Abira. We will visit the beach now. We have Already given clear instruction regarding precautions too. तो टीचर वहाँ पे कहते हैं कि सही बात है अबीरा, आप कहते हो वैसा कि जब हम बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले ही आपको जो भी सारे प्रिकॉशन वाले इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आप सबने याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट वहाँ पे बताया गया है. ओके, दिस पार्ट इज गोइंग ऑन to be taken there. We will also visit the fort called Kolaba or Alibag Fort here. We will have to take into account the timing of the high and low tides as this is little way from the coast in the sea. We have studied the work of sea waves in class 9th. We will also identify some of the landform by sea waves. Can you name some of them? टीचर वहाँ पे कन्वर्स करते हुए स्टूडेंट से वहाँ पे कहते हैं कि आपको सब प्रिकॉशंस वहाँ पे लेने हैं. और उसके बाद वी विल ऑल्सो विजिट द फोर्ट कॉल्ड कोलाबा. कोलाबा नाम का एक फोर्ट है, अलीबाग का फोर्ट, उसे अलीबाग फोर्ट भी कहा जाता है, उसे भी विजिट करने वाले हैं. वी विल हैव टू टेक इन टू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ द हाई एंड लो टाइड एज दिस इज लिटिल वे फ्रॉम द कोस्ट इन द सी.
अब हम ऐसे टाइम पे वहां पे जा रहे हैं कि वहां पे जो सी है, सी के अंदर वहां पे लो टाइड या हाई टाइड का ये टाइम होता है ना। तो ये भी हमें वहां पे देखने को मिलने वाला है। डू यू नो अबाउट द टाइड, सी टाइड्स आर देयर, ओशियन टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, व्हेन द वाटर इंक्रीज, व्हेन द वाटर लेवल इंक्रीज ऑफ द ओशन इज देयर, देन वी से दैट दैट इज हाई टाइड। एंड व्हाट इज लो टाइड? लो टाइड्स मीन्स व्हेन द वाटर लेवल डिक्रीजेस इन द सी, देन वी से दैट दैट इज लो टाइड। ओके, हाई टाइड एंड लो टाइड इज देयर। ओके, देन फ्रॉम द कोस्ट इन द सी वी हैव स्टडीड द वर्क ऑफ सी वेव्स इन क्लास नाइन्थ। नाइन्थ क्लास में हमने सी वेव्स का वर्क वहां पे देखा। वी विल ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंड फॉर्म फॉर्म बाय द सी वेव्स, और हम वहां पे कुछ सी वेव्स की वजह से बने हुए लैंड फॉर्म को भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। कैन यू नेम द सेम सम ऑफ देम? आपको याद है कुछ सी वेव्स की वजह से बने हुए लैंड फॉर्म, सी कोस्टल एरिया में बने हुए लैंड फॉर्म? ऑल चिल्ड्रेन सेड ऑलमोस्ट टुगेदर, बीच, सी केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म, सैंड बार्स, सच टाइप ऑफ आंसर्स आर देयर। ऑल दीज आंसर्स आर द लैंड फॉर्म मेड बाय द सी वेव्स आर देयर। ओके, सी वेव्स ने बनाए हुए जो लैंड फॉर्म है वो सारे ये है। टीचर सेड गुड, यू रिमेंबर देम वेल, आपको अच्छी तरह से याद है, अच्छी बात है। दे विजिटेड द बीच विद द फोर्ट, दे विजिटेड द बीच एंड द फोर्ट, सम ऑफ देम ऑल्सो एंजॉय सीटिंग ऑन हॉर्स ड्राइविंग ड्राइवन देन चैरियट एंड सम ऑफ देम एंजॉय हॉर्स राइडिंग। तो वहाँ पे बीच पे विजिट करने के बाद, फोर्ट देखने के बाद, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे हॉर्स ड्राइविंग के मज़ा वहाँ पे ली। उसके बाद जो चैरियट है जिसे हम कहते हैं रथ, है ना, पुराने ज़माने में बताए जाते हैं, जो हम मतलब सीरियल्स वगैरह देखते हैं जैसे कि महाभारत वगैरह, उसमें वो रथ बताए जाते हैं चैरियट, तो उसके ऊपर भी सैर करने की मज़ा उन्होंने ली। हॉर्स राइडिंग की मज़ा कुछ बच्चों ने ली। देन नेहा सेड मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, ये पहले दो जो फोर्ट हमने देखे उससे कुछ डिफरेंट ऐसा फोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, नेहा कहती है। टीचर सेड गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंट बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का फर्क आप बता सकते हो? नेहा सेड यस मैडम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द वॉटर वाइल अदर टू वेयर ऑन लैंड। तो पहले दो जो फोर्ट हमने देखे वो लैंड के ऊपर थे और ये वाटर का फोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। टीचर सेड गुड, दिस फोर्ट इज बिल्ट ऑन द वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय सी वाटर। तो ये जो फोर्ट है वो वेव कट प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ना, और पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो सी वाटर से सराउंडेड है। इट इज कॉल्ड सी फोर्ट, तो जिसकी वजह से उसे सी फोर्ट कहा जाता है। अर्लियर दिस फोर्ट वेयर बिल्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सीज, तो सी की सिक्योरिटी के लिए शुरू शुरू में इस तरह के फोर्ट बनाए जाते थे, है ना। मतलब अब हमारी जो डिफेंस सिस्टम है नेवी, वो कोस्टल एरिया को गार्ड करती है, सेफ करती है, तो उस वक्त इस तरह के सी फोर्ट बनाए जाते थे, है ना। 16th सेंचुरीज का जो टाइम था, 16th सेंचुरीज या बिफोर 16th सेंचुरीज वी से दैट, उसमें जो फोर्ट बनाए गए वो सी फोर्ट इस कारणवश बनाए गए थे। देर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, तो वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत से सारे ऐसे फोर्ट्स हमें दिखाई देंगे। नेहा सेड यस आई हैव हर्ड द नेम लाइक सिंधुदुर्ग जंजीरा अर्लियर, तो शुरू शुरू में हमने सिंधुदुर्ग जलजीरा जंजीरा इस तरह के कुछ फोर्ट्स के नाम सुने हैं। टीचर सेड बिसाइड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर, तो इस इंफॉर्मेशन के अलावा अदर इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमें जानना है, तो बता सकते हो कि यहाँ पे किस तरह के ऑक्यूपेशन होते होंगे? राहुल सेड मैडम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे फिशिंग और एग्रीकल्चर हो सकता है, बोथ द ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर, ये दोनों ऑक्यूपेशन यहाँ पे होते होंगे। तो टीचर सेड करेक्ट राहुल, टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग, ये दोनों के दोनों जो ऑक्यूपेशन है कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं? कैटेगरीज पता है आपको ऑक्यूपेशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेर्शियरी, तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मीना सेड मैडम दीज आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स फिशिंग एंड
farming, agriculture is primary occupation. Okay, type of primary occupation. Teacher said, true. Initially, fishing was main occupation. Later on, agriculture was also practiced in this region, but away from the shore. अब यहाँ पे मतलब initially main occupation जो है वो fishing का है और उसके बाद agriculture आता है और वो sea shore से मतलब sea के coastal area के दूर का part जो है वहाँ पे agriculture किया जाता है. तो coconut, betel nut, jackfruit, banana and some spices are cultivated in the coastal plain. Coastal plain में कौन सी चीज़ें वहाँ पे cultivate की जाती है, तो ये coconut, betel nut, then jackfruit, banana and some spices are there. Okay, coconut. What is betel nut? Can you tell me? Betel nut. जिसे हम कहते हैं सुपारी. Okay, पान के अंदर खाते हैं ना सुपारी, तो वो सुपारी betel nut ये होती है. This is horticultural farming. तो plain area में ये होती है, उसे horticultural farming वहाँ पे कहा जाता है. Today, tourism has become an important occupation here. अब tourism ये एक important occupation वहाँ पे बन गया है. Then, background में वहाँ पे क्या बताया गया है? Afterwards, students spend some time playing on the sand of the beach and capture beautiful glimpse of the sunset इन देयर कैमराज. तो स्टूडेंट वहाँ पे बीच पे थोड़ी देर खेलते हैं सैंड के ऊपर और शाम के वक्त का जो सनसेट का जो नज़ारा है उसके कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं. आफ्टर सनसेट दे केम टू देयर लॉज. सनसेट के बाद लॉज की तरफ आते हैं. दे डिस्कस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कॉम्पिल देयर फील्ड विजिट रिपोर्ट. उनकी फील्ड विजिट रिपोर्ट बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें वो इकट्ठा करते एक जगह पे लाते हैं. आफ्टर रिटर्निंग टू देयर लॉज और लॉज पे आने के बाद दे हैड डिनर एंड रेस्टेड फॉर द नाइट एट अलीबाग. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग दे हैड देयर ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द अलीबाग. तो रात का खाना वगैरह लेते हैं, नींद लेते हैं और दूसरे दिन सुबह वो क्या करने वाले हैं, मॉर्निंग को उनका ब्रेकफास्ट लेकर वो जगह छोड़ने वाले हैं और रिटर्न अपने मतलब होमलैंड वो जाने वाले हैं. तो इस तरह से ये टोटल पार्ट हमारा फील्ड विजिट का वहाँ पे था.